नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में आपका स्वागत है। आज दक्षिण गुजरात वलसाड़ के तिथल बीच पर गांधी जी के लिए उनके सत्याग्रह पर जागरूकता जगाने के लिए वलसाड़ के तिथल बीच पर आज गुजरात टूरिज्म द्वारा वहां पे एक जागरूकता के एक कार्यक्रम रखा गया था। इस समारोह में गुजरात टूरिज्म के द्वारा महात्मा गांधी जी हमारे देश के बापू, हमारे देश के राष्ट्रपिता के सत्याग्रह के जागरूकता के लिए घर घर हर व्यक्ति तक जागरूकता पहुंचे, किस प्रकार से सत्याग्रह किया गया था पूरे देश की आजादी के लिए, इसको घर घर पहुंचाने के लिए गुजरात टूरिज्म ने मुहिम उठाया है। हमने गुजरात टूरिज्म से व्यक्ति से भी बात की है। आज इसका छोटा सा उद्घाटन समारोह हुआ है दक्षिण गुजरात वलसाड़ के तिथल बीच पर। आइए देखते हैं ये पूरा रिपोर्ट। हमारे साथ हमारे रिपोर्टर पवन सिसोदिया वहाँ पे मौजूद थे। पवन सिसोदिया के साथ मैं संवाददाता सीमा भट्टाचार्य दक्षिण गुजरात वलसाड़ से। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, धन्यवाद। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज चैनल देश की प्रखर आवाज, आपका स्वागत है। आज मैं वलसाड़ के तिथल समुद्र के किनारे हूँ। यहाँ पे आज उद्घाटन समारोह रखा गया है नेशनल सॉल्ट सत्याग्रह मेमोरियल दांडी का। तो अभी स्वागत के समारोह बाकी है और यहाँ जो भी होगा उसका हम वीडियो आपको लाइव दिखाएंगे। तो आप देखिए कि गांधी जी ने जो भी सत्याग्रह आंदोलन किया था और उस विषय में जो उनकी मेमोरी है, उस मेमोरी को यहाँ पे लगाया गया है और सारी जो उनके सिद्धांत है उसके विषय में भी कुछ यहाँ पे बताया गया है। जैसे कूच यात्रा उन्होंने किया है और रिलीजन के विषय में भी सारी जानकारियाँ दी गई है इसमें। तो ये यहाँ समाज को दिखाने के लिए और इस विषय में बताने के लिए यहाँ कि कैसे ये सत्याग्रह का आयोजन किया गया था और किस तरीके से ये यहाँ बताया गया था। जैसे गांधी जी ने जो गुंडा राज तरीके से जो सब हो रहा था उस समय में राष्ट्र में, उस विषय पे उन्होंने इसका जो कायदे का भंग हुआ था और उस पर जो उन्होंने कार्य किया था, तो ये सारे जो न्यूज़ हैं वो आज हम आपको दिखा रहे हैं। तो देखते रहिए देश की प्रखर आवाज़ उज्जवल भारत न्यूज़ चैनल। तो मैं आपको ये गुजराती वर्ड्स में भी बता सकता हूँ कि गांधी जी ये मीठा ना कायदा नो भंग करिया पछी जाहिर करेले निवेदन में कहियो कि मीठा ना कायदा नो में सविने भंग करियो छे, हवे आ मीठू सौ कोई माटे खुल्लू छे, हवे जेओ मीठा ना कायदा हेठर कार्यवाही नो जोखम लई तेओ ज्यारे पण इच्छे त्यारे तेमनी अनुकूलता मुजब मीठा नो उत्पादन करवा इच्छता होय तेओ सौ माटे मीठू हवे अबाधित छे। एटले एवा बधा एमने कार्य कर्या हता जे समाजने प्रेरणादायी हतुं। तो तमे जोई रह्या छो जे के तमाम धर्मों माटे भी एमने आदर पेलो कर्यो हतो। कूच दरमियान गवाता भजनों मात्र हिंदू देवी देवता पूरता सीमित न हता, आश्रमनी भजनावलियों पुराणों मानी वर्ताओ बाइबलनी कथाओ खास करीने प्रेरणात्मक गीतों गवाता हता, आम गांधीजी तमाम धर्म प्रति एक समान आदर धरावता हता। एटले तमे समझी सको कि अहीं आवावारा मतलब समाजना जे भी लोको छे एमने अहींथी कई शीखवानुं तो जरूर मळशे। गांधीजीना जे शब्दो छे मार्च 16, 1930 मां नवजीवन समाचार पत्र मां प्रस्थान शीर्षक हेठळ लगता गांधीजीए कह्युं कि अमदावादना हजारो नागरिको महिला अने पुरुषोए जाने 11મી રાત્રી જાગરણ કર્યું અને હજારો લોકો આશ્રમ ખાતે ઉમટી પડ્યા, અમે સાથે મળીને ચંડોળા તળાવ સુધી કૂચ કરી, હું આ દ્રશ્ય ક્યારે નહીં ભૂલી શકું। આ રીતે ઘટનાક્રમની જે તારીખો છે એ પણ અહીંયા આપેલી છે। 12મી માર્ચ થી લઈને 6 એપ્રિલ મીઠાના કાયદાનો ભંગ કરવા માટે જાલિયાવાલા બાગને હત્યાકાંડની 11મી વર્ષીને ધ્યાનમાં રાખીને નિર્ધારિત કરવામાં આવેલ તારીખ। એટલે તમને ઇવેન્ટના વિષયમાં દરેક જાણકારી અહીંયા ને અમદાવાદ દાંડીનો જે પણ સાબરમતી આશ્રમથી શરૂ થયેલ હતી એના વિષયમાં બી ચિત્રો સાથે અહીંયા દર્શાવવામાં આવ્યા છે। તો તમે જોઈ શકો છો જે હું વિડીયો તમને બતાવી રહ્યો છું એ વિષયમાં જ છે। અને દાંડી કૂચ જે 1930માં ગાંધીજીની આગેવાની હેઠળ કરવામાં આવેલ મીઠાના સત્યાગ્રહ જેવી મહાન ઘટનાનું સાક્ષી એવું દાંડી એક નાનું ગામ છે। દાંડી યાત્રાએ ભારતની સ્વતંત્રતા ચળવળ પર ખૂબ ઊંડી અસર છોડી હોવાનું માનવામાં આવે છે। સાબરમતીથી દાંડી સુધીમાં રસ્તાની ગણના ઐતિહાસિક જગ્યાઓમાં થાય છે। તો એમ તો પણ આ ઐતિહાસિક જગ્યા જ છે અને આ ટેકનોલોજીના વિષયમાં પણ છે નવીનતા, જે નેશનલ સોર્ટ સત્યાગ્રહ મેમોરિયલ એ તકનીકી નવીનતા, કળા, આર્કિટેક્ચર અને ડિઝાઇનનું એક અનોખું મિશ્રણ છે જે મહત્ત્વની રાષ્ટ્રીય ઘટનાની અનુભૂતિ કરાવતા પ્રવાસ તરફ દોરી જાય છે। એટલે તમે જે અહીં જોઈ રહ્યા છો દરેક ચિત્ર, દરેક લખાણ અને એક એક જે ચિત્ર બનાવવામાં આવેલ છે એ તે સમયની એક યાદી છે અને ગાંધીજીએ જે દેશ માટે, સમાજ માટે બધું કર્યું એના વિષયમાં આખો લેખ સાથે અહીંયા છે।
तो तमे जोता रहो अमारो चैनल उज्ज्वल भारत न्यूज। एक विषय हजू हूँ तमने बताऊँ, महात्मा गांधी जी मूर्ति ऊपर बे हाथ नु प्रतीक आपेल छे, एनो वीडियो तमे जो 40 मीटर ऊंची ए फ्रेम। दांडी कूचनी स्वतंत्रता सुधीनी जे वातो छे ए पण अहींया लखेलू छे। दांडी कूच एक चिंगारी चापी अने तेना परिणामे समग्र राष्ट्र में स्वराजना चरवणनी ज्वाळा भड़की उठी अने अंते दांडी खाते गांधीजीए तेमना प्रिय भारतीयों माटे संपूर्ण स्वतंत्रता जो जे स्वप्न जोयुं हतुं ए आजादी स्वराज प्राप्त करवामां तेओ सफळ थया हता। एटले एमने जे पण कार्य कर्या हता ए सफळता मळी हती। अने तो ये गुजरात टूरिज्म का जो आप पूरा वीडियो देख रहे थे वो हम आपको उसका सीधा प्रसारण करा रहे हैं। और सबसे लेटेस्ट सबसे फास्ट न्यूज़ देश की प्रखर आवाज़ उज्ज्वल भारत न्यूज चैनल आप देखते रहिए। मैं आपके साथ KP सिसोदिया वलसाड़।